इस लड़की को कब अकल आएगी? जुबीन, 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 क्या हो गया भाई? पूरा कमरा बखेर के खुद यहाँ बैठी हो, वो कौन समेटेगा? वो मैं भी जा ही रही थी। इतनी बड़ी हो गई हो, कोई शर्म हया सलीका है तुम्हें? क्यों बातें सुना रही हैं? अभी तो सिर्फ बातें सुना रही हूँ ना, अगर तुम्हारी हरकतें यही रही तो एक दिन जूते भी खाओगी। और ये कर क्या रही हो? मास्क, खीरा, नेल पॉलिश, सुबह सुबह ब्यूटी पार्लर खोल के बैठी हो? कि तुम्हारी उम्र है हरकतें करने की? तो क्या गुड्डे होके लगाऊंगी? और अब सब घर वालों का क्या मसला है, हर वक्त क्यों पहरेदारी करते रहते? थोड़ी तो लाइफ एंजॉय करने दे यार। तुम उठो ना जरा, चलो मेरे साथ, चल के कमरा समेटो, उठो चलो। देखो इस कमरे का हाल, क्या हालत बना रखी है इस कमरे की, लगता है कि कोई इंसान रहता है यहाँ पे। अरे तुम हर वक्त टेरेस पे क्यों लटकी रहती हो? दानियाल ने देख लिया तो एतराज करेगा। वो कौन होते हैं एतराज करने वाले? भाई जैसा है और होने वाला बहनोई भी। हाँ तो उन्हें कहे अपनी होने वाली बीवी पे रोब जमाए। और हाँ, मुझे पैसे चाहिए, मैंने शॉपिंग करनी है, वो भी अकेले। दिमाग ठीक है तुम्हारा जुबी? इतने कपड़े हैं तुम्हारे पास, ये देखो तो सही, और अगले 4 साल तक ये खत्म नहीं होंगे। हाँ तो 4 साल से ये कपड़े तो पहन रही हूँ, और कमीजें छोटी हो जाती है तो कहती है कोई बात नहीं है, छोटी कमीजों का फैशन है। फल्ला, जितनी तुम्हारी जबान चलती है ना उतना अपने हाथ भी चलाओ। अरे कमरा फटाफट साफ करो, मैं अगर यहाँ खड़ी रही ना तो मेरा तो बीपी हाई हो जाएगा। हाँ, और इतना सलीका मैंने दिखा दी ना तो मेरा बीपी लो हो जाएगा। मेरा दिमाग खराब नहीं करना, और मैं 10 मिनट बाद आऊंगी, ये कमरा साफ होना चाहिए, आई समझ? बाप कहता है कि जूबी को डॉक्टर बनाऊं, और उसे फैशनों से फुर्सत नहीं है, बचपना खत्म ही नहीं होता, ना अकल ना सलीका। अरे तो तुम अभी से क्यों उसे सलीका बेगम बनाना चाहती हो? अब तुम हर वक्त उसके पीछे क्यों पड़ी रहती हो? भाई अभी तो उसकी उम्र है ओढ़ने पहनने की, खेलने कूदने की, और वैसे भी पढ़ाई में तो अच्छी है। शॉपिंग के पैसे मांग रही थी मुझसे, उसे अकेले शॉपिंग करने का बहुत शौक। शॉपिंग तो चलो हो जाएगी, मगर अकेले कौन जाने देगा? यही तो मैं समझा रही थी, मगर समझ के ही नहीं देती। ससुराल जाके क्या करेगी, मुझे तो यही फिक्र खाई जा रही है। अब हर एक को रोशना जैसा ससुराल तो नहीं मिलता। समीना, अगर मेरे 2 बेटे होते ना तो मैं जुबी को भी अपनी बहू बना लेती। ये तो आपका और भाई साहब का प्यार है, और अल्लाह हमारे इस प्यार को हमेशा यूं ही रखे, इस नई रिश्तेदारी से हमारे दरमियान कोई दरार ना आए। आमीन सुमा आमीन। देखिए काफ़ी हो गया ना? हाँ बस और मत डाल।
वाओ क्या सेल्फी है यार। साइम साइम डोंट डू दिस, तो मेरी पर्सनल फाइल के थ्रू नहीं जा सकते हो। ओह माय गॉड, ये तुम्हारी पिक्चर है? तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगी उल्लू की शक्ल वाली। ये तुम्हारी लग रही है इस पिक्चर में। साइम के बच्चे? साइम तो खुद भी बच्चा है। साइम मुझे टैब वापस करो। नहीं चाहिए वापस। से कच्चा चबा जाऊंगी, पता नहीं किसकी शामत आई है। बिल्कुल सही बेटा, ऐसे ही तुम अपनी मन को शक्ल छुपाओ। टैब वापस करो। मुझे दिया था तुमने? उधर नहीं देखो, इधर देखो, टैब वापस करो वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा असर करूंगी। साहब क्या करोगी? तुम्हारे ना ये दांत है ना, ये तोड़ के बाहर कर दूंगी। मेरे दांत तोड़? हाँ। ऐसे साहब पानी फेंक रहा, इसको देखिए। मैं पानी फेंक रहा हूँ? मेरी हालत देखे, मैं तो आराम से सो रहा था यहाँ पे। झूठ बोल रहे, तुम कहाँ सो रहे थे? मैं नाच रहा था। हाँ, एक्टिंग नहीं करो। एक्टिंग मैं कर रहा हूँ, तुम कर रही हो? हौसले कर आंटी, देखिए मेरा टैब यहाँ पे नहीं आया। कोई टैब नहीं लाया, इसकी नजरों का दुख। लायो तुम? नहीं लाया। लायो? नहीं लाया। लायो? नहीं लाया। मतलब लायो? स्टॉप इट, स्टॉप इट, वापस करो इस टाइम। साइम अभी, अभी ये कवर का क्या हाल किया है? आंटी ये मेरी पिक्चर्स देख रहा था मेरे टैब में। पिक्चर्स के बच्चे ब्लॉक है, पिक्चर्स के थ्रू जा रहा था। घर जाओ तुम जल्दी से। और तुम बच्चे हो तुम छोटे से, ये जो तुम हरकतें कर रहे हो, कितनी दफा मैंने तुम्हें मना किया है कि अब तुम बड़े हो गए, डिस्टेंस रखा करो इसके साथ। समझ में नहीं आती तुम्हें? आंटी तुम फिर आ गई हो, घर जाओ। चल भाई, शर्ट दूसरी दे। ये पुलाव किसने बनाया? मैंने बनाया। अच्छा नहीं बना? नहीं, बहुत अच्छा बना है। और बहुत मजे का है। वैसे मैं भी यही कहने वाला था। थैंक यू ताया अबू। वैसे हमारी रोशना के हाथ में जायका बहुत है। बुलबुल इतनी खामोश क्यों? मैं किसी की बुलबुल नहीं हूँ। क्या हो गया, किसने कुछ कहा है? यहाँ हर वक्त मुझे सब डांटते रहते हैं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अरे किसकी इतनी जरूरत है कि हमारी सबसे लाडली बेटी को डांट सके? मुझे अभी उसका नाम बताओ, अभी इस घर से उसका दाना पानी बंद करके घर से बाहर निकाल दूंगा। बस ये नाजुक मिजाजी की भी ना हद है, जरा सा घर का काम क्या करने के लिए कह दिया कि समीनू उसकी एज है, अभी से सारे घर के काम काज उससे करवा रही है। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी, फिर सारी जिंदगी तो यही करना है। बहुत जरूरत है अभी से उस पर घरवार की जिम्मेदारी डाल रही थी, लेकिन छोटी है अभी। अच्छा मेरी प्यारी बहन, तुम दिल छोटा मत करो, हम कल सब मिलकर बाहर खाना खाने जाएंगे, ठीक है? अम्मी ने मुझे समर्स की शॉपिंग भी नहीं कराई। ये अम्मा की गलती है। ठीक है बेटा, जितना दिल चाहता है ना आप शॉपिंग करो, गाड़ियों की गाड़ियां भर के लाओ, बट पैसे बताओ मुझे कितने चाहिए बस। नहीं कि दाया बू। अरे खाना तो खा लो। नहीं मैंने खा लिया, मुझे भूख नहीं है। मैं सहज होता नहीं, बस सब मिलकर किसी और बिगाड़ो। बेटा रोशना भी ऐसी ही थी ना, अब कितनी समझदार हो गई। देखो यही घर की रौनक है, अभी इसका रिजल्ट आ जाएगा तो फिर ये कॉलेज में बिजी हो जाएगी, फिर सबको कम कम दिखाई देगी। हाँ भाई इसे चश्मा तैयार करें। यार ये कबाब देने मुझे। ओए बदतमीज, तुम यहां बैठी हुई हो, तैयार नहीं हो ना तुमने? नहीं क्यों यार, अब क्या हो गया?
मुझे लगता है तुम शायद भूल रहे हो कि तुमने मेरे से अभी कितनी बदतमीजी की है और आंटी ने मुझे कितनी बातें सुनाई है। बदतमीजी तुमने भी मेरे साथ अच्छी खासी की और तुम्हारी उस आंटी ने मुझे अच्छा खासा लेक्चर दिया कि बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, जुबिया से दूर रहो, ये हरकतें ना किया करो। आंटी ने ये कहा है? तकरीबन। तो उनको मेरे से अब क्या दुश्मनी हो गई? पहले तो बहुत प्यार करती थी। पहले तुम दिखती भी तो बहुत प्यारी थी। हाँ, एक मिनट एक मिनट, ये दोबारा बोलना। पहले क्या? पहले और अब इन तशद्दुद पर क्यों उतर आ जाती हो बार बार करते हो? तुम्हें ना मेरी कदर नहीं है, बचपन से तुम्हें फ्री में जो मिल गया हूँ। हाँ, वो तो दरख्त पे लगे हुए आम से ना जो गिरा तो मैंने उठा के अपने पास रख लिया। मजाक है ना, एक दफा सिंगर बन गया ना तो याद रखना ऑटोग्राफी नहीं दूंगा, लिख ले देना। ये मुझे प्लीज लिख के दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पेन कहाँ गया? तुम्हारी टांगे नहीं टूटती अगर तुम ले आओ वहां से। मानी टांगे नहीं टूट सकती, ये देख। नो ऑटो। और याद रखना पहला गाना भी तुम्हारे लिए नहीं गाऊंगा मैं। तो फिर किसके लिए गाओगे? ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। और किसके लिए? माई गर्लफ्रेंड भी है। किसकी नहीं होती? सबकी नहीं होती बेटा, मेरी तो है। नाम क्या है? किस किस का नाम बताओ है तुम्हें? कितनी है? दो छः, दो चार छः, दो चार, दो चार छः, दो चार। तुम जैसे बेसरे की भी दो चार छः। तुम जैसे बेसर। एक की अभी आज बर्थडे है जिसकी पार्टी पे मैं जा रहा हूँ और गाऊंगा भी। समवन स्पेशल? सारे सवाल के साथ मैं आप नहीं दे सकता ना। हाँ, वैसे भी तो हम इकट्ठे ही जा रहे हैं। मैं दो मिनट में आई, तुम चेंज करके आओ। मैं भी चेंज करके आती हूँ। देखो परमिशन लेना मेरा काम है, तुम टेंशन नहीं लो, तुम जाओ। मैं तैयार हूँ, मैं कहाँ जाऊँ? भागो, घंटा लगी है तैयार होने में। देसुरी फुल है। हाँ ओए मोटे, भूख लगी है? तिक्के बनाते हैं। गोश्त वोश लाओ, मसाला मैं लगाऊंगा तो पकाएगा तू। कोई सोच ले, पहले सोच। वाओ, कितनी प्यारी जगह है। मुराद के फादर काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा? Yeah. लेकिन ये तो तुम्हारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी नहीं थी, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि वो मुराद की बहन है और दोनों मेरे कॉलेज फेलोज हैं। ओए रिदा, साइन का तो पता करो, उस हीरो के इंतजार में भूखा मरेंगे क्या? भूख लग रही है। इसको तो केक खींच रहा है। मैं उसे कॉल करता हूँ। जल्दी कर यार, जल्दी कर। ओए इधर आओ। क्या हुआ? सैम अकेला नहीं आया? कहीं अम्मा अब्बा को तो नहीं साथ ले आया? वो नहीं, इडियट गर्लफ्रेंड लाया सर। वे अटल पे सैम की गर्लफ्रेंड नहीं है? हमें तो नहीं बताया उसने। एक ही तो क्रश था मेरा, वो भी गया। अबे शट अप यार, चला चले। अभी खड़ी रहोगी, सब वेट करें अंदर। सी बिल्कुल इसके टक्कर की है अली की गर्लफ्रेंड से। कहीं चुप है। बड़ी देर कर दी आने में। और ये मोटा कब से केक देख देख के आंखें भर रहे हैं? ईबी की वजह से लेट हो गए हम। एक्सक्यूज मी, मेरी वजह से क्या मतलब? तुम्हारी वजह से लेट हो। मैं कब से गेट के बाद तुम्हारा वेट कर रहा था बारिश में। तो मुझे सो बहाने बनाने पड़ते हैं ना साईं, मुझे दानियाल भाई के जाने का इंतजार करना था। तो नहीं बनाती तुम बहाने? फ्रेंड्स के साथ तुम्हारी पार्टी भी मैं आ जाती ना। तो इतना गाइस प्लीज। फ्रेंड मी सैम भाई, इंट्रोडक्शन दो करो। हां, सो शी इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड जुबिया। हाय। मैं तुम्हें बता रहा था ना कि हमारे कॉलेज का क्रेजी ग्रुप है जो किसी वक्त कुछ भी करने को तैयार है। ये सारे आ गया ना। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। कैसे हो? मैं सही हूं। रिदा, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे रिदा। थैंक यू। मेरा गिफ्ट क्या है? गिफ्ट क्या है? मुझे क्या पता? तुम्हें दिया था मैंने। तुमने कहा था गाड़ी में रख दो। गाड़ी में रख गया, मैं अभी लाता हूँ। अबे रुक, तेरे पास तो लाइसेंस ही नहीं है, तू गाड़ी कैसे लेकर आया है? चबा के लाया हूँ। बाद में दे देना गिफ्ट, अभी चलो। पक्का? हाँ हाँ, आ जाओ। आया हूँ लेकिन। ठीक है ठीक है, आ जाओ। उठा के ले। मुझे क्या कह रहे हो तुम? मेरी फ्रेंड की बर्थडे है। मेरे पटोल दो।
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Nita. Happy birthday to you. Come on, yaar, nikal nikal. Kill up. Ah, kill up. Come on. Abey, usko kaat de do. Haan, udar nahi. Mera bhai hai, mera. What's going on? Oh, dekhi. तो प्लेट में डालो, प्लेट में. अबे ये प्लेट तो इधर है, मेरी बारी. फिर डालना प्लेट में, डालना. ये तो मेरे को, तुम लोग जाओ खाओ. दबाओ जा. हाँ, सबको खिलाओ. सबको. अबे कहाँ गए वो? हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे. ये लो केक खाओ. तुमने तो मुझे कहा था तुम्हारे किसी समवन स्पेशल की बर्थडे. झूठ बोला था. क्यों? तुम्हें जलाने के लिए. अब लड़ने मत स्टार्ट करो ना यहाँ पे सबके सामने. मैम, जैसे भी तुम थोड़ी सी मतलब अच्छी लग रही हो, खूबसूरत लगी, प्यारी और थोड़ा सा और इधर आना यार. कीड़े आ रहा हूं. तुम ये केक खाओ, मैं तो और चाहिए. क्या चाहिए? मैं इसके साथ मिक्स करके दे. क्या बात है, आज बड़ी खामोशी है. जूनी घर पे नहीं है? नहीं, वो उसकी सहेली की सालगिरह थी, वहाँ गई है. कब तक आएगी? आने वाली होगी. अच्छा, मैं जब तक उसे देखता रोना चैन ही नहीं आता. रोशना भी तुम्हारी बेटी है, मगर जितनी मोहब्बत तुम्हें जूबी की है ना, उतनी रोशना की नहीं है. ये ऐसी बात है. रोशना से भी बहुत मोहब्बत है, लेकिन जूबी की बातों पे कुछ दिल खिंच सा जाता है. वो तो बचपन से ही ऐसी है. अपनी प्यारी प्यारी बातों से, शरारतों से सबका दिल मोह लेती थी. अपने तो अपने कोई, गैर भी उसे प्यार किए बिना नहीं गुजरता था. लेकिन फिर मैं भी ताई अबू और ताई अम्मी की बेटी हूँ. बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, ये तो है. हाँ जी, आप शुरू से ही अपने ताई अबू और ताई अम्मी की बेटी. हाँ भी, ये तो है. आप लोगों को जूबी से बहुत प्यार है और हमारी आंखों का तारा तो रुशना ही है. रुशना से दानियाल से कहना कि उसको जूबी को देता है, तो अकेले कैसे आएगी ना? मैं जल्दी से कह दूँ वरना इन्हें चैन नहीं आएगा. कबाब नहीं आज? उसने तुम्हें आई लव यू कब बोला? किसने? ऑफ कोर्स साइम ने. नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. वी आर जस्ट फ्रेंड्स. कम ऑन यार, साफ पता चल रहा है तुम दोनों में कितनी मोहब्बत है. बड़ा तुम थोड़ी झूठ बोल के आती घर वाला से यहाँ पे. और वो तुम्हारी कितनी केयर कर रहा था, ये प्यार नहीं तो और क्या है? हाँ, ये तो मुझे पक्का पता. जाने तू ना जाने, तेरी बाहों में हमको सुकून है मिले. माने क्यों ना माने, तेरे होने से ही
धड़कने ये चले, तू जो मिला तो सारी खुदाई मिली, हर दर्द से इस दिल को रिहाई मिली, तुझसे शुरू और तुझ पे ही मेरी। अच्छा अभी हमें साइम सबको गाना सुना। नहीं नहीं साइम किसी को कोई गाना नहीं सुनाएगा। नहीं 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 यस यस गाना सुना। अच्छा ओके जस्ट बिकॉज़ इट्स योर बर्थडे यू गेट अ सॉन्ग। ओके कौन सा वाला वो साइम वही वाला छोटा वाला स्पॉन लॉन्ग बनाया था। डन डन चलो हमने वैसे गाना बनाया रफ्सात यू बताया था ना वही वाला बट इट्स अमेजिंग इट्स व्हाटएवर बहुत अच्छा चलो ओके एक लम्हे में जी ले हजारों पल, कल रस्ते ये हमको ले जाएं किधर। एक लम्हे में जी ले हजारों पल, कल रस्ते ये हमको ले जाएं किधर। इन लम्हों की बस रह जाएगी आज सेलिब्रेट कर खुशियों को मिल के साथ, तो चल मेरे संग होके मलंग, एंजॉय द नाइट एंड फील द वाइब। तेरे जैसा कोई यार कहाँ जो मिले हमें बार बार यहाँ, तेरे जैसा कोई यार कहाँ जो मिले हमें बार बार यहाँ। सैमसन तूने कभी बताया नहीं तेरी गर्लफ्रेंड भी है। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। बेटा मुझसे झूठ बोलेगा क्या? दोस्त है शहीर। तो फिर मेरी सेटिंग करा दे। वैसे भी बड़ा ना दवाई दिलाया हुआ है उस पे। वो ऐसी लड़की नहीं है। अरे तो मैं कौन सा वैसा लड़का हूँ, करवा देना यार। और वैसे भी यार टाइम पास हो जाएगा मेरा, समझ रहे ना? और तेरा क्या जाता है? बस कर दे, वो टाइम पास वाली नहीं है। अरे रहने दे, अभी दोस्ती की ऑफर कराऊं ना तो तैयार हो जाए। एक और घटिया लफ्ज़ नहीं सुबह के बारे में कह दूं तो तू क्या करेगा? और वैसे भी ऐसी लड़कियों को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, जो झूठ बोलकर घर से पार्टीज के लिए निकल कर आती है। ऐसी लड़की क्यों दूर कर ले ऐसे साइम आजे ले 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 लेकर जाओ इस पागल को। टाइम क्या जरूरत थी लड़ाई करने की? इतना मजा आ रहा था, वी वर ऑल हैविंग सो मच फन, और तुमने लड़ाई कर दी। तुम्हें घर वालों से झूठ बोलकर मेरे साथ आने की क्या जरूरत थी? आई बहु पीनो के वहां पे किसी पे भी तुम्हारा इंप्रेशन कोई अच्छा नहीं गया। साइम मैंने डिलीबरेटली कुछ नहीं किया। अगर तुम मेरे साथ आ भी गई थी तो सबके सामने अनाउंस करने की कोई जरूरत नहीं थी तुम्हें। ए मैं बकवास ना मैं। हां ऋषभ। हां जुबी, फ्री हो गई पार्टी से? हां ठीक है, दानियाल तुम्हें लेने आ रहे हैं फिर। दानियाल भाई? नहीं नहीं, मैं सरेश के घर से निकल आई हूं। क्या मतलब? तुम सरेश के साथ नहीं हो? नहीं नहीं, मैं सरेश के घर से निकल आई हूं, उसके ड्राइवर मुझे ड्रॉप कर रहे हैं। अच्छा
हाँ ये जरा ड्राइवर से मेरी बात करवाना। क्या हुआ? ड्राइवर तो तुमने बना ही लिया, बात भी करवा देती। साइम जल्दी करो प्लीज। क्या हुआ? पता नहीं, मैंने ड्राइवर से बात करवाने को कहा है तो उसने कॉल काट दी। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। पता नहीं यार, लीना जा तो रहा था, उसे फिर से ड्राइवर के साथ आने की क्या जरूरत थी? फ्रेंड के साथ है, अकेले थोड़ी है, आ जाएगी वापस। अब हर बात को इतना बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए। हद है यार, परवाह करता हूँ तुम लोगों की। ज्यादा परवाह भी अच्छी नहीं होती। एक तो तुम लड़कियां ना किसी हाल में खुश नहीं रहती। और सुनो, जो तमीज से बात किया करो, तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा हूं मैं। अभी से इतना रो, बाद में पता नहीं आप क्या करेंगे। बाद में थोड़ा सिर्फ मोहब्बत करूंगा मैं। अच्छा, What just happened? Well, I don't think it should be a problem. क्या हुआ? I have nothing to do with this. Petrol I have nothing. तुम्हें petrol क्यों नहीं डलवाया? Petrol कम है क्या? ठीक हो जाएगी, I think. Feel ठीक है? I don't know what happened. Hey. It's okay, relax. कुछ नहीं है बस. एक मिनट के लिए, just. अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। फोन ही नहीं उठा रही है। साथ में कौन है आपके? मैं कजन हूं। बाहर आ जाओ। आप बैठो, मैं बाहर बैठ। ठीक है, कैन यू जस्ट रिलैक्स, आराम से सुकून से तुम बैठे रहो, मैं तो ठीक है। सैमी तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे। दो मिनट के लिए चुप हो जाओ। सैमी तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन अपनी चेक करवा देंगे, लाइसेंस और इसके रजिस्ट्रेशन। नहीं है आईडी कार्ड सर, भूल गया हूँ। तो आपके पास कोई भी आपकी पहचान नहीं है, ना गाड़ी की रजिस्ट्रेशन बुक है, ना आपके पास लाइसेंस है? इधर रहती साइन। पागल हो क्या तुम? कागजात क्यों नहीं रखे गाड़ी के? एक तो गाड़ी खराब कर दी, ऊपर से पेपर्स नहीं है, ऊपर से लाइसेंस नहीं है तुम्हारे पास। मुझे घर जाना है साहब, सारे वेट कर रहे हैं मेरा। मैं झूठ बोल कर आई, तुम्हें पता है ना? तुम्हारे पास है लाइसेंस, कागजात सारा कुछ नहीं है ना? इट्स अ नॉन एस मिस्टर। गाड़ी चलाओ, घर लेके जाओ। मैं आराम से यहां पे बैठा हूं, मैं चला रहा हूं, मैं लेके जा रहा हूं। मुझे घर जाना है सेफ, मुझे घर जाना है साहब, अभी और इसी वक्त। गाड़ी चलाओ, गाड़ी चलाओ वरना मैं चला लेती हूं। आई एम नॉट, आओ चलाओ साहब। हमें क्या जरूरत थी साइम से उलझने की? उसने उस फजूल सी लड़की की खातिर मुझ पर हाथ उठाया। यार वो साइम के साथ आई थी, तुम्हें तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। रिस्पेक्ट? कौन सी रिस्पेक्ट? अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने करना क्या है। उसी जूबिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर उसके सामने लेकर आऊंगा। अब तुम अपनी लिमिट्स क्रॉस कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। लिमिट्स मैं क्रॉस कर रहा हूँ? वो लड़की रात को साइन के साथ फिरती है अपने घर में बगैर बताए हुए, और लिमिट्स मैं क्रॉस कर रहा हूँ? देखो तू सुना बे, ऐसी लड़कियां ना क्या होती है, कहाँ से आती है, ये सब मुझे मालूम है। देखो वो कैसे आई थी हमें से कोई कंसर्न नहीं, इम्पोर्टेंट ये है कि वो साइन के साथ आई थी। तो अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चला जा। अब मैं देख लूंगा कि मुझे उसके साथ करना क्या है। तुम चुप करके बैठ जाओ, आराम से तुम घर पहुंच जाओगी, ठीक है? सैरिश को फोन करती हूँ। हाँ सैरिश, यार अपने ड्राइवर का नंबर दो, जूबी फोन नहीं उठा रही। क्या मतलब? तुम्हारे घर पे आज पार्टी नहीं थी?
तो यहाँ सुबह झूठ बोल कर गई है, कहाँ गई है और किसके साथ? रुशना बात हुई है सुबह से, दानियाल ने शोर मचाया हुआ है। अम्मी वो क्या हुआ, आगे बोलो तो सही। जुबी से बात हुई है? अम्मी वो जुबी, अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है जो तुम आ गई हो। आज के बाद इतनी लंबी पार्टी के लिए कोई इजाजत नहीं है, पूरा घर परेशान बैठा हुआ है। तो क्या हो गया, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं आप लोग? थोड़ी सी तो देर हुई है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कयामत आ गई है। मैं जाके दानियाल को बताऊं, उसका गुस्सा तो ठंडा हो। कहां से आ रही हो? बताया तो था सहरिश के घर गई थी। जुबी तुम सहरिश के घर नहीं थी, झूठ बोलकर कहां गई थी? रुशना I'm so sorry, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। घूर क्यों रहे हो मुझे? जो भी किया ना बिल्कुल ठीक किया मैंने। तुमने सुना नहीं उसने सुबह के बारे में क्या बकवास की? दोस्ती करना चाह रहा था यार, और वैसे भी इस तरह रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। मार खानी है तुमने भी मुझसे, कोई जुबिया के बारे में एक लफ्ज भी गलत बोल दो उसके दांत ना तोड़ दूं मैं। यार तुम्हारी बहन लगती है क्या? तुम्हारी लगती है ये बहन, शट अप। इसका मतलब है के तुम्हें उससे मोहब्बत हो गया? जुबिया से? नो वे। मुझे तो यही लगता है, गलत लगता है। वरना तुम शहीद की इतनी पिटाई क्यों करते है? इससे भी ज्यादा करनी चाहिए थी। इस बात पर गौर करो कि तुम और जुबिया अपनी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो सॉल्व कर लेते हो, और रात को तुम लोगों को नींद ही नहीं आती एक दूसरे से बात किए बगैर। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप कहते बट यू वुडंट नो, तुम्हें क्या पता? नहीं, और आज के वाक्य के बाद मुझे तो यकीन हो गया यूर इन लव मैन। जुबिया तुम्हें ना, तुम बोर हो गए हो और तुम्हें एंटरटेनमेंट चाहिए इसलिए बकवास कर रहे हो, तुम खाओ। थिंक अबाउट इट मैन, थिंक अबाउट इट, थोड़ा सा गौर करो इस रिलेशन पर। जुबिया इतनी छोटी बात नहीं है, अम्मी अबू से हमने कभी कुछ नहीं छुपाया और तुमने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। मेरा दिल चाह रहा है अम्मी को जाके सब बता दूं, और सायम से तो मैं सुबह बात करती हूँ। अच्छा रुशना आई एम सॉरी ना, मैंने इतने ज्यादा अपोलोजाइज भी तो कर लिया है, और पता है सायम की गलती भी नहीं थी, मैं जिद कर रही थी कि मुझे जाना है पार्टी पे। आज तुम्हारा पर्दा रख रही हूँ लेकिन अगली बार नहीं रखूंगी, ऐसी कोई भी हरकत थी ना तो मैं बता दूंगी अम्मी को जाके। अच्छा अभी प्लीज नहीं बताना किसी, ठीक है? पहली और आखिरी बार, प्रॉमिस। साफ पता चल रहा है तुम दोनों में कितनी मोहब्बत है, बड़ा तुम थोड़ी झूठ बोल के आती घर वालों से यहाँ पे। पर वो तुम्हारी कितनी केयर कर रहा था, ये प्यार नहीं तो और क्या है?